नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रुथ विला यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं वाशर मशीन का अटैचमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हाई प्रेशर वाशर मशीन है हमारे पास। तो इसका 6 तरह के अटैचमेंट है हमारे पास। तो इस अटैचमेंट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इसे अटैच करते हैं, तो आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमने पहले भी इस हाई प्रेशर वाशर मशीन का वर्किंग वीडियो हमने बनाया है, आप वहां जाके अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आप 6 तरह के अटैचमेंट के बारे में आपको बताएंगे कौन से अटैचमेंट कहां इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला अटैचमेंट जो कि रोटरी ब्रश इसे बोलते हैं, इस रोटरी ब्रश को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि मॉल, ऑफिस, जहाँ पे देखेंगे ग्लास लगे हुए रहते हैं, तो उस जगह पे आप इसे रोटरी ब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि आप देखेंगे, यदि आप ग्लास को साफ करते हैं तो आपको पहले साबुन मारना पड़ता है, उसके बाद कपड़ा मारना पड़ता है। तो उस जगह पे ये आपको रोटरी ब्रश यदि यूज करते हैं तो आपको अलग से कपड़ा नहीं मारना पड़ेगा, जो कि ये रोटरी ब्रश घूमता है, इसके सहारे पूरा ग्लास के क्लीन कर देगा। और भी जैसे आपके पास 4 चक्का गाड़ी हो या बाइक हो, आप उसे भी धुलाई में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा इस रोटरी ब्रश से क्लीन होता है। आइए आप जानते हैं दूसरा वाला अटैचमेंट के बारे में, जो कि इसको बोला जाता है सरफेस क्लीनर। आप इसे कोई भी सरफेस यदि क्लीन करना हो, या टाइल्स हो, मार्बल हो, वॉल हो, जैसे सावला टाइप का कहीं जम गया हो आपका घरों में, तो वहाँ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे रोटरी टाइप का यहाँ से पानी निकलता है और चारों साइड में ब्रश लगा हुआ है जो कि सरफेस को क्लीन कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मिस्ट ब्लोअर है जो कि इसके साथ अटैच होता है, और इसे बहुत ही आसानी से आप कहीं भी आम का गाछ हो या आपका खेत हो, कहीं भी आप इसे बहुत ही आसानी से आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, बहुत सारे खेतों में आदमी अंदर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसमें पौधे लगे रहते हैं, तो इससे आप बहुत ही दूर दूर एरिया कवर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसे स्प्रे कर सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, सैंड ब्लास्टिंग अटैचमेंट है जो कि यहाँ से स्प्रे होता है और ये बालू में रहता है। अब इसे बालू के सहारे कोई भी मेटल हो, या आपको यदि कोई गाड़ी को जैसे कि पेंट करना होता है तो पुराना पेंट उतार के उसे नया पेंट चढ़ाना होता है, तो आप वहाँ पे इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। या कोई वाल में सावला हो गया है, वहाँ भी इसे आप काम में ले सकते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारे पास लास्ट अटैचमेंट है, जो कि आप देख रहे हैं 16 इंची सरफेस क्लीनर। जैसे कि हम आपको पहले भी हमने दिखाया है, अटैचमेंट है 16 इंच का। आप इसे मॉल या कोई हॉस्पिटल वगैरह में आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप कोई भी केमिकल या शैम्पू इसमें भरकर आप यहाँ से उसको अलग से शैम्पू या सरफ कोई आपको सरफेस पे नहीं मारना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर आ जाएगा। आप इससे बहुत ही आसानी से कहीं भी कोई भी सरफेस आप इसे क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि 6 तरह के जो हमने अटैचमेंट दिखाया, वो अटैचमेंट कहाँ पे काम में लेना चाहिए। और एक ज़रूरी बात बता दें आपको, जैसे कि आप जो गन देख रहे हैं मशीन के साथ आता है, और जो हमने अटैचमेंट आपको दिखाया, बाकी अटैचमेंट आपको अलग से ख़रीदना होगा। तो यदि आप कोई भी अटैचमेंट खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक मिल जाएगा, जो कि आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या वहीं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जो कि आप फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं।